अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त रावी पुल पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आवाम को कितनी मुश्किल का सामना है। वो आप देख सकते हैं कि बाइक हैं और जो गाड़ियाँ वो फंसी हुई हैं। तो ये धरने की वजह से है, जो हुकूमत ने ऐलान किया कि हम इनको धरना नहीं देने देंगे और इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि हम धरना ज़रूर देंगे। तो इन दोनों की लड़ाई में वो आम आवाम का जो है वो नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किसी तरह फैमिली साथ हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस हाल में, कितनी मुश्किलात में वो जो है वो सड़क अबूर कर रहे हैं। तो ये हमें, हमारी अपोजिशन को और हुकूमत वक्त को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यार आम ऐसा कोई निज़ाम हो जिससे आम आदमी है वो परेशान हो। तो अभी हम आपको पुल की भी सिचुएशन दिखाते हैं कि गाड़ियों की जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये देखें, जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएँ, जहाँ तक ये कैमरा आपको दिखा रहा है, जो गाड़ियाँ जो अभी रास्ते में फंसी हुई हैं और कुछ गाड़ियाँ जो एक गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ वो मुकम्मल जो है वो तबाह हो चुकी है। अभी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो जो आज के हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो हम किसी का कसूर तो नहीं कहते इसमें, कसूर तो आम आदमी का ही है। ये आप देख सकते हैं कि ये सामने की स्क्रीन वो भी टूटी हुई है, पीछे से भी ये देखें, ये देख सकते हैं आप, सारी टूटी हुई है। तो इसी तरह की आपको काफ़ी इस तरह के जो है वो हालात आपको नज़र आएंगे लाहौर की सड़कों पर। तो ये हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि इस जी। तो प्यारे पास में आप देख सकते हैं सड़क पर लंबी लंबी जो कतारें वो लगी हुई हैं, कंटेनरों के साथ जो है वो रास्ता टोटल उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। कोई भी जो है गाड़ी वो ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। तो आम आवाम जो है वो नहायत ही मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। और अब देख सकते हैं आप लंबी लंबी कतारें हैं जो रावी के पुल पर जो अभी वो लगी हुई हैं। तो अभी जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी जो कतारें हैं वो दरहर ऊपर अभी खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, रुकावटें अभी हैं वो आपके सामने, सामने पुलिस भी खड़ी है। और आपको हम एक गाड़ी का जो है वो दिखाते हैं कि ये देखें पूरी तरह जो है गाड़ी है वो तबाह हो चुकी है और जो काफ़िले हैं बाकी वो रवा दवा हैं अपनी मंजिल की तरफ। और ये हुकूमत की तरफ से ये आपके सामने रोड जो है वो तमाम बंद किए हुए हैं। तो अभी हम आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे का मंजर दिखाते हैं आप जी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो पुलिस की जानिब से जो वो शैलिंग बरसाई जा रही है और उधर दूसरी तरफ जो है वो मुजाहरीन हैं और धरने के जो शुरके हैं वो उधर है मुजामत कर रहे हैं और इधर पुलिस जो है वो शैली कर रही है। तो ये दरिया रावी का जो है वो टोल प्लाजा है। तो आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी जो इधर तैनात है, रोड को हर तरफ से बंद किया गया है। तो ये आज कल लाहौर का जो है वो हमारा मंजरनामा था। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।